हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम एंड की हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह बिष्ट उत्तराखंड के एक खूबसूरत घाटी मुक्तेश्वर से एक और नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ आपका। तो दोस्तों, कुछ ऐसा मौसम हो रखा है आज का, करीब 18 डिग्री सेल्सियस के साथ बादल लगे हुए हैं, बारिश कभी भी आ सकती है। आजकल रोज़ ऐसा ही हो रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये मुक्तेश्वर का खूबसूरत सा मौसम, कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और इस खूबसूरत से मौसम के साथ अपने दिन की, अपने व्लॉग की शुरुआत ही कर लेते हैं। सुबह के अभी करीब 10 बजे का समय हो रहा है और फाइनली मेरी तैयारी है, नाश्ता वास्ता करने के बाद खेत पे जा रहा हूँ। यहाँ नीचे देखिए फ्रेंड, पापा लगे हुए हैं यहाँ पर मिर्ची और बैंगन की गुड़ाई करने में, क्योंकि मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये हमारी दिनचर्या हो रही है आजकल। फ्रेंड, आजकल ना पहाड़ों पे बहुत सारे काम हो रहे हैं और मैं भी खेत पे जा रहा हूँ, तो आलू खोदने हैं, थोड़े से आलू खोदने रह गए हैं, तो आलू की खुदाई करते हैं। आपको दिखाता हूँ इस बार आलू की फसल कैसी हो रखी है। और ये ना जहाँ जा रहा हूँ वहीं आ रही है। आलू आलू की खुदाई हो जाती है तो उसके बाद इन पेड़ों में नाशपातियाँ लदी पड़ी हैं, तो नाशपातियाँ तोड़ी जाएंगी। जो बरसातों का सीज़न होता है ना फ्रेंड, पहाड़ों में बहुत सारे काम हो जाते हैं बरसातों के सीज़न में, आलू खोदना, गोभी लगाना, राजमा की बुआई वगैरह करना, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो हम भी अपने धीरे धीरे, जो हमारी पहाड़ी काश्तकारी है, पहाड़ी जीवन है, तो उस पर चले हुए हैं। तो चलूँगा खेत पे और आपके साथ भी शेयर करूँगा चीज़ें। ये देखिए दोस्तों, अभी भी बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग पड़े हैं सीजन के। तो फाइनली दोस्तों, चलते चलते पहुँच चुका हूँ खेत पे। नीचे भाई लगा हुआ है आलू खोदने में। और इस वाले खेत पे लगा दी है राजमा। तो नीचे खेत में खोदने हमने आलू, भाई लगा हुआ है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। और आलू की फसल भी इस बार थोड़े बहुत आलू सड़े भी हुए हैं क्योंकि बारिशें बहुत हो गई हैं। बाकी नीचे वाले खेत पे जो सीज़न की गोभी है, पत्ता गोभी, ये लगाई हुई है। तो आलू खोदना शुरू करते हैं, देखते हैं आज जहाँ तक है फिनिश हो जाएगा एक कार्य, क्योंकि छोटा सा रहा है। और आलू की फसल जो इस बार है हो तो ठीक रही है, बाकी साइज थोड़ी छोटी हो रखी है, देख रहे हो। तो दोस्तों, थोड़ा काम किया ही था कि बारिश शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं बारिश तेज़ आती है या थोड़ी देर आके रुक जाती है। मौसम एकदम चेंज हो गया है। सुबह मैंने मौसम दिखाया, मैंने बोला कि बारिश कभी भी आ सकती है। तो गाइस, बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है और आलू ना जितने मैंने खोद रखे थे उनको फ़िलहाल एक कट्टे में ढक दिया है। और देखते हैं, बारिश अगर ऐसे ही रही फिर तो घर को जाना होगा। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं कि किसी पेड़ के नीचे आ जाता हूँ, छाँव के नीचे, ताकि कम भीगा जा सके। सामने देख रहे हैं, उस वाले कट्टे पर रख दिए हैं मैंने जितने भी आलू मैंने खोदे थे। बाकी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो फ़िलहाल तो इस आड़ू के पेड़ के नीचे छुप चुका हूँ मैं, क्योंकि पत्तियों से थोड़ा बहुत भीगने से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, फाइनली ना बारिश थम चुकी है, यानी कि कम हो चुकी है बारिश। और जो हमारा फैसला था सही साबित हुआ, घर नहीं जाने का, थोड़ी देर ही वेट कर लिया। बारिश कम होगी, एक आध घंटा और है लंच टाइम में, तो एक आध घंटा और खोद लेते हैं आलू। यहाँ से लेके यहाँ तक ही है बस, इस एरिया को आज खोदना है, कंप्लीट करना है, फिर इस पर नेक्स्ट फसल लगाई जाएगी। और इस तरफ को देखिए, ये लगा रखी है राजमा। और जो इस पर लकड़ियाँ गाड़ी हुई हैं ना, तो राजमा की बेल जाएगी इन पे। जितनी घनी लकड़ियाँ, जितनी ऊंची लकड़ियाँ, तो उतनी बढ़िया बेल फैलती है इन पे और उतनी बढ़िया राजमा होती है बाद में। तो भाई तो लग चुका है अपने काम पे, मैं भी लगता हूँ, थोड़ी देर और खोद लेते हैं आलू। तो दोस्तों, आलू खोदते खोदते करीब हमें एक घंटा हो चला है, लंच टाइम भी होने वाला है। और जो अब रह गया ना, इतना सा रह गया है, देख रहे हो, यहाँ से लेके वहाँ तक, ये भी हो जाएगा दिन में, आज कंप्लीट हो जाएंगे। चलो जी, फाइनली आ चुका हूँ खेत से।
आलू का कट्टा लेके। करीब नी भी खोदे होंगे तो करीब 35 से 40 किलो आलू खोद दिए हैं मैंने। ये जो पूरा कट्टा है ना, इसमें करीब 35 से 40 किलो आलू होगा अभी। और बहुत से लोग मेरे को कमेंट करते कर रहे थे कि जुलाई मंथ की वीडियोज़ दिखाओ, जुलाई मंथ में पहाड़ों पर कैसा हाल है, ख़ासतौर पर हमारे मुक्तेश्वर क्षेत्र में। तो जुलाई महीनों में कुछ इस प्रकार के ही हम लोग में काम हो रहे हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी हो रही है, बहुत मेहनत हो रही है बहुत। क्योंकि मैं अगर अपने मुक्तेश्वर क्षेत्र की बात करूँ ना, यहाँ पर अप्रैल से लेके लास्ट अक्टूबर तक काफ़ी बढ़िया सीज़न चलता है। जैसे हम अभी ये आलू खोद रहे हैं, इसके बाद गोभी की फसल लगाई जाएगी, मटर की फसल लगाई जाएगी, फिर बाद में दो एक महीने बाद गोभी कटाई, मटर तुड़ाई, ये सब काम आजकल ही होते हैं पहाड़ों पर, ख़ासतौर पर हमारे मुक्तेश्वर बेल्ट पर। और बाकी बारिशें तो डेली हो ही जा रही हैं, जैसा कि अभी भी आपने देखा, जैसे ही खेत पे थोड़ा सा आलू खोदे ना, उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी। वो तो फ्रेंड अच्छा हुआ ज़्यादा देर तक ये बारिश रही नहीं, जिसकी वजह से हम अपना काम कर पाए। इस समय अगर मौसम की बात करूँ तो इस समय मौसम दिखाता हूँ आपको कैसा हो रखा है। ये व्यू चेक करो फ्रेंड, जो इस समय नज़ारे हैं ना, तो लगे हुए हैं। बारिश किसी भी समय हो सकती है क्योंकि मानसून का सीज़न है, मानसून का टाइम है, और बारिश का कोई भरोसा नहीं। बिल्ली को शायद उसका शिकार मिल चुका है, ये ना पीछा ही नहीं छोड़ रही है, देख रहे हो। चल, अब तो पकड़ ली मैंने। और वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और क्या आप कैट लवर हो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। चलो चल 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 चल, फिर से नीचे आ गई, देख रहे हो। तो चलिए जी, बातें बातें होगी, अभी आलू के कट्टे को लेके चलता हूँ घर। थोड़ी सी चढ़ाई वाला रास्ता है, चलो आप चलो। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ घर पे, और अब तैयारी है लंच करने की। लंच भी रेडी है अपना, और लंच में है आलू की सब्ज़ी और राजमा, साथ में चावल। तो मस्त आराम से बैठ के इस खूबसूरत मौसम में करते हैं दिन के खाने को एंजॉय। तो कैसा लगा दोपहर का ये मौसम कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस समय ना समय हो रहा है शाम के करीब 5 बजे का, और फाइनली खाना खाने के बाद जैसे ही आराम करा तो नींद आ गई। इस समय मेरी नींद खुली है 5 बजे के करीब में। सीन ये है, फिर से रवाना हो रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत काम और कर लेते हैं क्योंकि आज के लिए काम बहुत ज़रूरी हो रहे हैं घरों पे। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको शाम का ही मौसम दिखाता हूँ, जिस प्रकार का भी मौसम बना हुआ है शाम के समय में। दोपहर में ना थोड़ी बहुत हल्की दुल्की बारिश भी हो रखी है, और मौसम और नज़ारों की बात करूँ तो कुछ ऐसा सीन है अभी। तो देखा दोस्तों, कुछ ऐसा सीन हो रहा है शाम के समय में, और शाम का एक खूबसूरत सा मौसम आप लोगों को कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं चलता हूँ नीचे खेतों की तरफ, अपने काम पे लगते हैं। तो चलिए जी, फाइनली पहुँच चुका हूँ अपने खेतों पे, इतना एरिया रह गया है बस। मेहनत भी बहुत लगती है गाइस ये काम वाम करने में ना, क्योंकि हार्ड वर्क होता है। और इस साल तो काश्तकार को उतना लाभ भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मंडी की हालत भी खस्ता है, जो अच्छे दाम हैं, जो सही दाम है वो भी नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। पता नहीं इस बार क्या सीन हो गया है ऐसा, जो भी है सीन्स। लेकिन खेत तो खाली करना ही है, अगली फसल गोभी की इस पर लगानी है। तो मैं शुरू करता हूँ अपना काम, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे। तो फाइनली फ्रेंड, 1 घंटे से करीब लगातार काम करने के बाद ना थोड़ी बहुत मैंने प्रोग्रेस कर ली है, आप मेरी हालत देख के लगा सकते हैं। वाट लग रही है बॉस। तो लगभग इतना आलू मैंने खोद दिया है, और इस बार की आलू की साइज छोटी हो रखी है। पहले तो बारिशें ही नहीं हुई, और जब से बारिशें शुरू हुई तो फिर सड़न वड़न के डर से हम लोग जल्दी जल्दी आलू खोद रहे हैं। देख रहे हो ऐसी साइज हो रखी है दोस्तों। यही है हमारी प्योर ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक सब्जियों का जो हम यहाँ पर उत्पादन करते हैं, ये उसकी छोटी सी झलक है। मार्केट में कोई भी सब्जी आती है, मार्केट में कोई भी जैसे आलू ही आ जाता है, हमको लगता है बहुत इजी है, मार्केट में आ रखा है। लेकिन इसके पीछे जो मेहनत होती है, जो इसके पीछे कार्य क्षमता लगती है ना, उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, इन खेतों पर रात दिन मेहनत करनी होती है,
तब जाके हम लोग ये काम कर पाते हैं। और इस हार्ड मेहनत के लिए ना एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, पहाड़ आप लोगों को पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आज दिन भर ना हमने इतनी आलू की खुदाई करी, ये आपके सामने है। अभी तो आलू खोद के जस्ट घर पे आ ही रहा हूँ मैं। फ्रेंड इस समय शाम का मौसम देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, काफ़ी शांत और खूबसूरत शाम पहाड़ों की। सनसेट भी हो ही चुका है। फ्रेंड फाइनली ये है आज के पहाड़ों की शाम, खासतौर पे हमारे मुक्तेश्वर घाटी की। आज मौसम बिल्कुल साफ था, जिस वजह से शाम की चकाचौंध काफ़ी अच्छी लग रही है। नज़ारा देख रहे हो सामने का, किसी शहर से कम नहीं लग रहा। और दोस्तों आज की इस खूबसूरत से शाम के साथ ना मैं अपने इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ आज का ये वाला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलूँगा जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए ना जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।